नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं पीएचयू पाठशाला, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम लोग फाइनली एक ऐसा कन्वर्सेशन करने जा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग होने वाला है, इसलिए क्योंकि बीएचयू से पढ़ने के बाद हर किसी को प्लेसमेंट नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं मेडल भी मिल रहा है। मतलब मेडल कोई छीन के लिए भाग रहे हैं क्या? खुशी जाहिर क्यों नहीं कर रहे? बहुत खुश है। हाँ, तो मेडल भी मिल रहा है, प्लेसमेंट भी हुआ है, बीएचयू से पढ़े हुए हैं, तो ये अपने आप में सबसे बड़ा प्राउड होने वाला है। तो हम लोग बात कर रहे हैं प्रकृति और नेहा। आप जर्मन से? फ्रेंच से। आप रशियन? एक्चुअली इनको फ्रेंच से गोल्ड मेडल मिल रहे हैं और उनको रशियन से गोल्ड मेडल मिल रहा है। और प्रेजेंट टाइम में कहाँ वर्क कर रहे हो? प्लेसमेंट कहाँ? अमेजॉन बैंगलोर। इनका गुड़गांव प्लेसमेंट हुआ है। तो अभी ये बताइए कि कैसा लग रहा है, पीएचयू के लिए क्या कहना चाहोगे? बीएचयू के लिए सिर्फ इतना ही कहना है कि अभी जो भी है हम दोनों सिर्फ बीएचयू के कारण ही है, क्योंकि हमने कभी नहीं सोचा था कि हम फॉरेन लैंग्वेज पढ़ेंगे, लेकिन हमने फॉरेन लैंग्वेज पढ़ा और वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ है। कोरोना के टाइम में भी हमें जॉब मिल गई, जस्ट आफ्टर कोरोना हमारा प्लेसमेंट हो गया, जो कि बहुत बड़ी चीज़ थी हमारे लिए भी और हमारी फैमिली के लिए भी। और ये सब सिर्फ और सिर्फ बीएचयू के कारण ही हुआ है। अगर बीएचयू नहीं होता तो पता नहीं हम लोग क्या कर रहे होते। मुझे पता है क्या कर रहे होते मुझे पता है, क्योंकि जो हम लोग कर रहे हैं वही तुम भी कर रही होती है। तो एक्चुअली प्रकृति, मुझे ये बताओ ना, यूजी के कोई मेमोरी याद है हम लोग का? हाँ, यूजी जब मैं फर्स्ट टाइम आई। सबसे ज्यादा यादगार कौन सा पल रहा है तुम्हारे लिए यूजी? सबसे ज्यादा, खैर मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थी, मतलब मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है कॉलेज में, मैं थोड़ा बस आती थी, क्लास करती थी। ये वीडियो बोल रही है बस, वीडियो बस। नहीं, सीरियसली ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व फ्रेंड नहीं है, लेकिन इनके पूरे जो बेंगलोर थी यहाँ हम लोग के लिए साफा और उतरिया खत्म हो गया, पर प्रकृति के लिए 10 लोगों ने साफा उतरिया खरीद के रखा हुआ था। अपने आप में बड़ी बात है, फ्रेंड नहीं होने के बाद इतने सारे फायदे मिल रहे हैं। मेरे बहुत ज्यादा फ्रेंड नहीं है, लेकिन जो है वो चार है। ओह माय गॉड, वो नोट करना चाहिए। हाँ, जो दो चार है वो अच्छे हैं, वही वाली चीज है। तो मतलब बीएचयू में से मैंने बहुत ज्यादा ग्रुप नहीं बनाए, बहुत ज्यादा मैंने ये सब नहीं किया, लेकिन हाँ मुझे क्लासेस पसंद थी और खासकर अपनी फ्रेंच क्लास पसंद थी। मैं कोई क्लास जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन मैं फ्रेंच क्लास जरूर जाती थी एवरीडे। आज के गेटअप के लिए क्या कहना चाहोगी? इसके लिए मैं सबसे पहले अपने फ्रेंड को थैंक यू बोलूंगी, उसी ने मेरे को साड़ी पहना दी अच्छे से, मुझे आती नहीं है ढंग से। और इस गेटअप के लिए 3 साल वेट किया, इस गेटअप के लिए सच में, क्योंकि मेरा ना फ्रेशर्स हुआ ना फेयरवेल हुआ, तो जब मैं फर्स्ट ईयर में थी उसी ने कहा कि कॉन्वोकेशन में तो मुझे जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए, इसीलिए मैं इतनी दूर से आई हूँ सिर्फ कॉन्वोकेशन अटेंड करने के लिए। तो फाइनली मेडल अभी तो मिला नहीं है, घंटों में मिल जाएगा इनको, थोड़ी देर में मेडल मिलने वाला है। तो वो प्री एक्साइटमेंट क्या है मेडल? नर्वसनेस थोड़ी सी है और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मतलब मेरा एक्सपेक्टेड नहीं था, और एक दिन मेरे को सडन किसी ने बताया कि आपने बताया नहीं, मैंने सोचा क्या नहीं बताया, जॉब के बारे में तो सबको पता है, लेकिन उसने बोला कि तुमने मेडल के बारे में नहीं बताया, और मुझे उसके बाद पता चला कि फाइनली आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट। मतलब ये डबल सरप्राइज, मेडल मिल रहा है अपने आप में, इनको पता भी नहीं था फिर मैं पता चल रहा है। आप तो भी बोल नहीं रहे, आप बताओ आपका यूजी का क्या एक्सपीरियंस है? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यूजी का, मैंने रशियन पढ़ाई की और बीएचयू आना मेरा सही डिसीजन था, और रशियन भी लाना मेरा सही डिसीजन था। हाँ, मैं फॉरेन लैंग्वेज नहीं लेना चाहती थी। देखो ये फॉरेन लैंग्वेज को लोग जनरली क्या बोलते हैं, अरे कैसे पढ़ेंगे, मैं भी वही सोचती थी कि मैं नहीं। और बस लकली इन लोगों ने फॉरेन लैंग्वेज ऑप्ट करके इतना बड़ा अचीवमेंट गॉट किया, ये अपने आप में बड़ी बात है। जॉब है, काफ़ी अच्छी जॉब है, और मैं अच्छा, क्रेडिट किसको देना चाहोगे गोल्ड मेडल का? क्रेडिट किसको देना चाहोगे? मैं क्रेडिट बीएचयू को देना चाहूंगी, अपने आप को देना चाहूंगी, क्योंकि प्रोफेसर्स ने बहुत ज्यादा मेहनत की हमारे ऊपर, एक नया लैंग्वेज बीएचयू का नाम लेते हैं तो प्रोफेसर भी आते हैं साथ में, तो मैं ग्राउंड काफी गहरी बात है प्रकृति थोड़ा मतलब कुछ बताओ ना, मतलब जो मुझे याद, मतलब मैं जहाँ पे अभी जॉब कर रही हूँ वहाँ पे कोई भी बीएचयू सुनता है तो जैसे यहाँ ऐसा सब जगह होता है, सब जगह होता है, मतलब बीएचयू का इतना नाम है कोई सुन के बोलता है। अच्छा, बीएचयू से पढ़े हुए हो? नहीं, साउथ में ज्यादा लोग नहीं जानते बीएचयू को, जब बीएचयू के बीएचयू से मिलते हैं, लेकिन जब बीएचयू से मिलते हैं ना, जैसे हमारे ऑफिस में भी बहुत सारे, जैसे मैं और मेरा एक जूनियर भी है वहाँ पे, फिर हमारे सीनियर्स भी कुछ मिले हमें वहाँ पे सेम ऑफिस में, अलग अलग फ्लोर पे या सेम फ्लोर पे, तो एक अलग सी एक्साइटमेंट होती है, अरे तुम भी बनारस हो
वाले हो, तुम्हारे बी एच यू वाले हो, और नॉर्थ इंडिया में तो खैर बी एच यू का भोकाल है ही। अच्छा, मैं कुछ पूछना ही नहीं चाह रहा हूँ यार, अपने से बता दो मुझे। और दोस्तों के लिए क्या मैसेज, क्योंकि हमारे बैच के बहुत सारे लोग देखने वाले हैं। दोस्तों के लिए यही है कि मेरे जो भी दोस्त थे उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट ही किया है, मतलब मैं बहुत टाइम से जॉब खोज रही थी। मजाक कर रहा हूं, मैं मोटिवेट तो किया है प्राउड टू बी, देखो ये होता है प्राउड। हाँ, मैंने बोला फ्रेम बहुत भरा आ रहा है तो करिए, प्राउड है मुझे इस पे और क्या हर किसी को इतना नसीब नहीं होता है लेकिन प्रकृति के लिए कॉम्प्लीमेंट है, लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और ये ट्रेडिशनल काशी विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन में जो साड़ी है, रियली मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग के लिए जो उतरिया साफा फिर कुर्ता पैजामा, रियली में ऐसा कन्वोकेशन मुझे लगता है कि देश के किसी भी विश्वविद्यालय में ऐसा होता हो। जनरली वो फॉरेन से जो एक ट्रेडिशन अप होता है ब्लैक और एक कैप उड़ा के, लेकिन यहाँ का जो है कि वो बहुत अच्छा है। अब मैं चाहूँगा कि अपने एक दोस्त को इसमें हम लोग जल्दी से ले आए, तो मैं चाहूँगा दौड़ के आ जाओ। ये अब ये फ्रेम थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये है शुभम पटेल, और हम सभी लोग ने एक साथ पढ़ाई करी है एक बैच का, तो ये हम लोग कैसे कितना एक्साइटमेंट है। इसी का इंतजार है भाई, इतने सालों से। ठीक है, जल्दी से हम लोग का कन्वोकेशन हो, फिर हम लोग फिर 12 तारीख को डांस वांस का है प्लानिंग। बिल्कुल पूरे स्टेप बिल्कुल करेंगे यार, करके आएंगे। और कुछ स्टेप हम लोग सीख के आने वाले हैं कैसे उसमें डांस वांस करना है। और फाइनली मिलते हैं हम लोग 12 तारीख को, क्योंकि 8 फैकल्टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 12 तारीख को है और हम लोग 8 फैकल्टी के हैं। तो इसी वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं, इस वीडियो को हम लोग अपने बुढ़ापे तक देखते रहेंगे, क्योंकि हम लोगों को ये चीज़ें हमेशा याद आती रहेंगी कि हम लोग 3 साल की पढ़ाई करी और फिर कन्वोकेशन। भारत माता की जय।